अमित अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। अमित के पिता शहर के पोस्टमार्टम हाउस में रात में चौकीदारी किया करते थे। एक रात 2 बजे अमित का फोन बजा। हाँ पापा। बेटा तू जल्दी मोटरसाइकिल से पोस्टमार्टम हाउस आ जा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, मुर्दे जिंदा हो गए हैं। हाँ आ जा बेटा आ जा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? माँ पोस्टमार्टम हाउस में जरूर पिताजी के साथ कुछ हुआ है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। अमित जब पोस्टमार्टम हाउस पहुँचता है तो देखता है कि गेट पर उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। अमित के पिता का पोस्टमार्टम होता है लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टर उसके पिता की मृत्यु का कारण नहीं पता लगा पाते। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा, उनके शरीर पर कोई निशान नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अमित के पिता की असमय अचानक मृत्यु होने के कारण अमित को अपने पिता की नौकरी मिल जाती है। बेटा तू पोस्टमार्टम हाउस के चौकीदार की नौकरी मत कर, वहाँ नाइट शिफ्ट करनी होती है। तेरे पिताजी की तरह तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? डॉक्टर और पुलिस पिताजी की मौत का कारण पता नहीं लगा पाए। मैं वहाँ नौकरी करूंगा और पता लगा कर रहूंगा कि पिताजी की मौत कैसे हुई। अमित अपने पिता की तरह रात में पोस्टमार्टम हाउस में चौकीदारी करने लगा। अमित अक्सर देखता कि रात में 2 डॉक्टर ऑपरेशन रूम में पिए हुए बाहर निकलते। वे अक्सर अमित को शराब पीने के लिए अंदर बुलाते थे। अरे चौकीदार भाई साहब, कभी कभी तुम हमारे साथ भी 2-4 पैग लगा लिया करो। नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी डॉक्टरों के साथ एक बाबा भी आता था। एक दिन अमित ने दरवाजे पर कान लगाकर ऑपरेशन रूम के अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की। बाबा उन औरतों की आत्माओं का आपने ठीक से पोस्टमार्टम तो कर दिया? हाँ, लेकिन उनमें से एक औरत का भूत मेरे कब्जे से बाहर है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब डॉक्टर और बाबा चले गए तो अमित ऑपरेशन रूम के अंदर गया। एक भूत ने अमित की पीठ पर लग गई और उसका गला घोटने लगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने तुझे, नहीं छोड़ूंगी। अमित किसी तरह पास की अलमारी पर रखी मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और अपनी पीठ पर लदी भूतनी पर मिट्टी का तेल लौट देता है। फिर वो अपनी जेब में से माचिस निकालता है और एक तीली जलाकर पीछे भूतनी पर फेंकता है। तब भूतनी गायब हो जाती है। अमित तुरंत रूम से बाहर निकलकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन अमित घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। उस कमरे में जरूर कुछ राज छुपे हुए हैं, लेकिन वहाँ भूतों का वास है। वो रूम किसका माता है? उस रूम में ही मुर्दों की चीड़ फाड़ होती है। माँ क्या तुम किसी अच्छे तांत्रिक या बाबा को जानती हो जो बस इतना कर दे कि जब मैं ऑपरेशन रूम में घुसूं तो कोई भूत प्रेत मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए? हाँ, हमारे गांव में पंडित राम प्रकाश शर्मा भूत प्रेतों के बारे में जानते हैं। उस रात अमित पंडित राम प्रकाश शर्मा द्वारा दी गई एक अंगूठी पहनकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है। वो ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा हवन कर रहा है। पास में दोनों डॉक्टर बैठे हैं और जमीन पर एक महिला का शव रखा हुआ है। अमित तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जा यहाँ से। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं, निकल यहाँ से बाहर। तेरा बाप फिर भी समझदार था लेकिन तू तो बिल्कुल गधा है। तभी अचानक औरत का शव खड़ा हो जाता है। पास की अलमारी में ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। औरत का भूत वहां से एक कैंची उठाकर बाबा के गले में भूंक देता है। बाबा तुरंत मर जाता है। दोनों डॉक्टर कमरे से बाहर भागते हैं लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहां भागोगे कमीनों? औरत का भूत दोनों डॉक्टरों का गला पकड़ लेता है और गला घोंटकर दोनों को मार देता है।
औरत की आत्मा फिर अमित पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी अंगूठी के कारण अमित बच जाता है। तुम कौन हो और इन डॉक्टर को तुमने क्यों मार दिया? ये डॉक्टर नहीं, राक्षस थे। पोस्टमार्टम के लिए औरतों के शव को लाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और वो बाबा? डॉक्टर जिन औरतों के शवों के साथ गलत काम करते थे, बाबा उन औरतों की आत्माओं का पोस्टमार्टम करता था। आत्माओं का पोस्टमार्टम? हाँ, वो बाबा उन औरतों की आत्माओं को जल्द से जल्द अगला जन्म दिलाने की कोशिश करता था, ताकि वे आत्माएं भूत बनी रहकर डॉक्टरों को परेशान ना करें। मेरा इन सब गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पापा की जगह नौकरी करने आया हूँ। लेकिन तेरे बाप का था, वो भी इन डॉक्टरों के साथ मिला हुआ था। आत्मा अमित को छोड़ देती है। अमित घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है। किसी ने ठीक ही कहा है बेटा, सबको अपनी करने का फल भुगतना पड़ता है। तेरे पिता ने गलत काम किया, लगता है इसीलिए तेरे पिता की इस तरह मृत्यु हुई। ये साइंटिस्ट रमन है, जो आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी महामारी की मेडिसिन की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन एक भूतिया साया इनका पीछा कर रहा है। पिछली रात से इनके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ये सोए तो अपने बिस्तर पर थे, लेकिन इनकी आंख कुएं में खुली। लोगों ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन कोई तो है जो इनका पीछा कर रहा है। तो सर, हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी इन्वेंशन करके? ये मेडिसिन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने। साइंटिस्ट रमन बोल रहे थे कि कोई साया उनके आसपास मंडराने लगा। वो डर गए। उस साये ने सामने रखे हुए पानी के ग्लास को उठाकर साइंटिस्ट के मुंह पर फेंक दिया। सभी लोग दंग रह गए। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। कौन है यहाँ? सिक्योरिटी! जैसे ही सिक्योरिटी स्टेज पर आ रही थी, उस भूत ने सिक्योरिटी को हवा में उड़ाकर पटक दिया। साइंटिस्ट अमन बहुत डर गए और रिपोर्टर भी डरी हुई थी कि तभी सबके सामने साइंटिस्ट विक्रम का भूत दिखने लगा। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। साइंटिस्ट रमन भागने की कोशिश कर रहे थे कि साइंटिस्ट विक्रम के भूत ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया। ये दवा रमन ने नहीं, मैंने बनाई है। इस धोखेबाज रमन ने मेरा खून कर दिया। खून? हाँ, खून। मैं और रमन एक साथ एक ही लैब में कई सालों से काम कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में महामारी फैलने लगी। यार, इस महामारी से दुनिया को बचाना ही होगा। दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इस महामारी की ही दवा खोजने में लगे। कोई ना कोई जरूर बनाएगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ना बाबा ना, तू ही कोशिश कर, मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं अकेला इस महामारी के ऊपर रिसर्च करने लगा। एक महीने बाद मुझे इस महामारी के कीटाणु का कंपोजिशन समझ में आ गया। रमन, देख, मुझे इसका कंपोजिशन मिल गया। अब मैं जल्द ही इसकी मेडिसिन बना लूंगा। अरे वाह, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये मेडिसिन किसी बड़ी कंपनी को बेचकर हम दुनिया के सबसे अमीर साइंटिस्ट बन जाएंगे। नहीं यार, ये हम गवर्नमेंट को देंगे। वो क्यों? किसी बड़ी कंपनी को बेचेंगे तो उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा होगी और आम लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट को बेचेंगे तो हर एक गरीब तक ये पहुंच जाएगी, पर गवर्नमेंट हमें
इससे अच्छे दाम नहीं देगी। मुझे इस दवा से अमीर नहीं बनना, पर उन लाखों गरीबों की दुआ जरूर चाहिए। मैं बहुत खुश था कि मैं मेडिसिन बनाने के बहुत नजदीक था, लेकिन मुझे क्या पता था, जिसे मैंने दोस्त समझा था वो मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है। रमन ने एक बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया था, उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। तब से रमन मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगा। वो अक्सर मेरी टेबल पर ताक झांक किया करता था। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ गिरने की आवाज आई थी तो देखने चला आया कि कहीं कुछ टूटा तो नहीं। यहाँ तो कुछ गिरा नहीं है, शायद कहीं और से आवाज आई हो। हाँ, हो सकता है। मैं अपने काम में जुटा रहा और लगभग 15 दिन बाद मैंने वो मेडिसिन बना ही ली। यस, आई डिड इट, आई न्यू आई वुड डू इट। क्या हुआ? आखिर मैंने वो मेडिसिन बना ही ली, फाइनली। मैं अभी जाकर न्यूज में ये अनाउंस करता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा आराम से। ये इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। इसके अनाउंसमेंट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। कैसी तैयारियां? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, न्यूज वालों को भी पहले से इन्फॉर्म करना होगा। तो रुक, मैं सबसे बात करके आता हूँ, फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ न्यूज चैनल के ऑफिस। ठीक है। रमन ने किसी से फोन पे बात की और फिर मेरे पास आया। हमें अभी गवर्नमेंट लैब इस मेडिसिन को ले जाना होगा। पर क्यों? उसका प्रोसेस है, चल लैब। मैं रमन के साथ उसकी कार में बैठ गया। रमन मुझे गवर्नमेंट लैब ले जाने के बदले किसी सुनसान फैक्ट्री में ले आया। वो कहाँ ले आया? अभी पता चल जाएगा, बाहर चल। मैं कार से उतरा और तुरंत दो गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। उनमें से एक गुंडे के हाथ में चाकू था, जो उसने मेरे गले पर घुमा दिया और मैं वहीं मर गया। उसके बाद इस हरामखोर ने उस कंपनी वाले को दवा का सारा फॉर्मूला दे दिया और बहुत सारे पैसे ले लिए। मैं चाहता तो कल रात ही इसे मार देता, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं, क्योंकि मैं दुनिया को सच बताना चाहता था। ये धोखेबाज है, इसने इस दवा के लिए मेरा खून कर दिया, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और भूत ने रमन को गर्दन से उठा लिया। रमन छटपटाता रहा और तड़पते तड़पते रमन मर गया। साइंटिस्ट के भूत का बदला दुनिया भर में लाइव टीवी पर देखा। अगले दिन न्यूज चैनल में यही न्यूज थी। उस कंपनी के मालिकों को पुलिस ने पकड़ लिया और एक प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया, ये मेडिसिन जो लेट साइंटिस्ट विक्रम ने बनाई है 100% इफेक्टिव है इस महामारी को दूर करने के लिए। वी सैल्यूट लेट साइंटिस्ट विक्रम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस सोसाइटी।